दोस्तों, टीवी या सिनेमा लवर्स में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो अभिनेता अरुण बाली को ना जानता हो, ये ना जानता हो कि एक्टर अरुण बाली क्या गजब के, क्या शानदार कलाकार थे। बताएं कि आज अरुण बाली का जन्मदिन है। आइए इस खास दिन पर उनसे जुड़ी पांच खास बातें आपको बताई जाए। पहली, अरुण बाली का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। उन्होंने न केवल हिंदी फिल्मों में काम किया बल्कि तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में भी अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी। अरुण बाली ने 40 से ज्यादा फिल्मों और 25 से ज्यादा टीवी शोज में काम किया। दूसरी, बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले अरुण बाली ने कई टीवी शोज में काम किया था। अरुण बाली ने अपना टीवी शो दूसरा केवल से किया था, वही उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म सौगंध थी। तीसरी, एक्टर होने के साथ साथ अरुण बाली राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी थे। अरुण बाली नेशनल अवार्ड विनर प्रोड्यूसर भी थे। उन्हें सिंगिंग का भी शौक था। चौथा, एक्टर अरुण बाली ने लंबी बीमारी के बाद 79 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। 2022 में उनके निधन की खबर सुनकर देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। दरअसल अरुण बाली की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा रही है, उनके चाहने वालों की एक अच्छी खासी संख्या मानी जाती है। पांचवी, बता दें कि अरुण बाली फिल्म थ्री इडियट्स, पीके, रेडी, बर्फी, ओ माय गॉड, केदारनाथ, जमीन और सौगन, जेंटलमैन, फूल और अंगारे, खलनायक और पानीपत समेत कई फिल्मों में शानदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया, बल्कि उनकी आखिरी फिल्म गुड बाय भी उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ की थी। गौर कीजिए कि इस साल इसी फिल्म के रिलीज के दिन यानी 7 अक्टूबर को अरुण बाली का निधन हुआ था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको दिवंगत अभिनेता अरुण बाली से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें।